हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टोन। सो आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या अक्सर जब मैं भी एक स्टूडेंट था, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तब मैं अक्सर ये सोचा करता था क्या फिजिक्स एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। मतलब अगर मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ तो क्या मुझे फिजिक्स का आना बहुत ज़रूरी है क्या, या मुझे अगर फिजिक्स नहीं आएगी या मुझे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तो क्या मैं केमिस्ट्री कर पाऊंगा कि मैं केमिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा। तो इसका आंसर मैं देना चाहता था, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है होता यह है कि हम जो फिजिक्स के जो हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हम अक्सर फिजिक्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, हम फिजिक्स को साइडलाइन करते हैं। तो मैं डिस्कशन को यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। लाइक अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि केमिस्ट्री क्या है या केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो मेरे दिमाग में या मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई केमिस्ट्री का मतलब हम डील करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। और जब हम एटम्स की बात करते हैं तो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल आता है जिसमें 118 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम बोलते हैं कि ओके, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एटम्स, एटम्स से बने हुए अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो यार केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो केमिस्टिंग पॉइंट है एटम। नाउ व्हेन यू स्टडी अबाउट एटम, एटम फिजिक्स में आता है कि एटम केमिस्ट्री में आता है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मतलब बहुत लोगों को लगता है एटम इज अ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। मतलब ये केमिस्ट्री वाले ना बड़े स्मार्ट होते हैं, जब केमिस्ट्री की बात आएगी एटम की, फिजिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी की, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है। पर जब एटम के बारे में बात आएगी, रेडियस की, स्क्रीनिंग इफेक्ट की, फॉर्मुलेस की, बोहस रेडियस की, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, या उससे रिलेटेड फॉर्मुलेस की, तो हम कहते हैं यार ये तो केमिस्ट्री वालों का सवाल नहीं है, ये तो फिजिक्स वालों का पार्ट है। तो एग्जैक्टली एटम फिजिक्स में आता है कि एग्जैक्टली एटम केमिस्ट्री में आता है? तो इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ, या जो मेरा ओपिनियन है वो ये कहता है कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स की एडवांस लेवल की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बट आपको कुछ हद तक फिजिक्स आनी चाहिए। मतलब जो 12th ग्रेड तक की जो फिजिक्स है, 12th स्टैंडर्ड तक का आप जो फिजिक्स पढ़ते हो, उसका छोटा सा नॉलेज या थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मुझे देखने वाले शायद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो स्क्रीन के वो साइड में बैठे हैं, शायद वो 11th 12th के स्टूडेंट्स होंगे, या मे बी शायद कोई बीएससी में पढ़ रहा हुआ बच्चा हो सकता है, या कोई मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या कोई रिसर्च करने वाला स्टूडेंट हो सकता है। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हो तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने फिजिक्स पे ध्यान देना। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके आईक्यू को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो तो आज से और अभी से थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिक्स की नॉलेज आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अच्छा करने में मदद करेगी। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, जो अभी करंटली थर्ड ईयर टीवाई बीएससी में पढ़ रहे हो, तो सर आपको मैं कह देता हूँ, आप जब एमएससी में आओगे आपको सडनली कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो बहुत थोड़े आपने अभी देख लिया होगा। जैसे थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, हमने थर्मोडायनामिक्स जो 12th ग्रेड तक पढ़ा था, कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल था। सिस्टम, सराउंडिंग, अलग अलग टाइप के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते थे, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते थे, बस हो गया। बट आप सडनली जब ग्रेजुएशन लेवल का आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, यू सडनली सी कि पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाते हैं, डबल डेरिवेटिव आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाते हैं, मैक्सवेल स्क्वायर जो हम पढ़ते हैं हायर लेवल थर्मोडायनामिक्स में, सर वो तो पूरा का पूरा पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस है। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दैट विद रिस्पेक्ट, साइक्लिक लॉ को ले लो। तो मोस्टली आप अगर देखो, जैसे जैसे केमिस्ट्री एडवांस होने लगती है, धीरे 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 केमिस्ट्री कम्प्लीटली फिजिक्स में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसका रीजन ये है कि आप जब एडवांस लेवल पे जाते हो तो आप एटॉमिक लेवल पे जाते हो, और जब आप एटॉमिक लेवल पे जाते हो तो आपको फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे में आप देखो, एटम इज नथिंग मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, और वहां पे फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। ये सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिजिक्स का थ्योरी का जरूरत पड़ता है। मैं नहीं कहता कि आप बहुत सारा फिजिक्स आज से एच सी वर्मा का बुक उठा लो, और एच सी वर्मा में क्लासिकल मैकेनिक्स में दिए हुए आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाओ, फोर्स से रिलेटेड, विस्कोसिटी से रिलेटेड, फलाना धिकटा सब करने लग जाओ। सर नहीं कर सकते, वो तो फिजिक्स के स्टूडेंट को करने दो, बट हम वहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें चुरा सकते हैं, जैसे यूनिट्स के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। अब मैं नहीं कहता आप डायमेंशन पढ़ने बैठ जाओ, वो ब्रैकेट के अंदर जो एल रेस टू, एम रेस टू, टी रेस टू, एस रेस टू, समथिंग समथिंग मत करो, बट आप बेसिक आइडिया ले लो कि डायमेंशन क्या होते हैं, बेसिक आइडिया ले लो प्रेशर वगैरह क्या होता है, फोर्स वगैरह क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कन्वर्जन कैसे किया जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें जब आप केमिस्ट्री पढ़ने लगते हो, एक मिनट, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे यार ये बंदा तो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की बातें कर रहा है, क्योंकि अब तक मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ये तो फिजिकल केमिस्ट्री में आती है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों को फिजिक्स की क्या जरूरत है। सर है,
क्योंकि आप जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने लगते हो, आप हायर लेवल पे जाने लगते हो, एक नया ब्रांच अब स्टार्ट हुआ है। पहले हम क्या करते थे ना ट्रेडिशनल वे में, हम ना एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को प्रेडिक्ट करते थे, मतलब हम ऐसा हाइपोथेसिस देते थे कि ये रिएक्शन को ऐसे करूंगा तो ऐसा होगा, हम इन ट्रायल एंड एरर मेथड पे आते थे, साइंटिस्ट अपनी अपनी जिंदगी एक एक रिएक्शन पे बिता देते थे, इस टेम्परेचर पे करेंगे, रिजल्ट लेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, हम फिर से आएंगे, फिर ओ शिट नहीं आया, चलो अगला टेम्परेचर चेंज करते हैं, फिर से जाते हैं, फिर से प्रोड्यूस करते हैं, फिर से कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर से आते हैं, ओ शिट नहीं आया। बट अब ना इस पूरी मेहनत को कम करने के लिए एक न्यू ब्रांच आई है, एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, और इस ब्रांच को क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेट किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या करता है, एनर्जेटिक्स पे काम करता है। आप अब हम क्या करेंगे ना, आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आएगा या आ चुका है मैं कहूंगा, जब एक लैब में बैठा हुआ कंप्यूटर पे काम करने वाला एक केमिस्ट एक सिंथेसिस बनाएगा और वो आपसे कहेगा देखो ये रिएक्शन को इस टेम्परेचर पे करो तो ये यील्ड आएगा, आप करके देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट ना बड़ा स्मार्ट हो जाएगा, उसका काम कम हो जाएगा, वो जाएगा वो रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करके प्रैक्टिकल केमिस्ट करके दिखाएगा, ओ वाओ रिजल्ट आ गया। यहां पर केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप जब हायर लेवल फिजिक्स पढ़ते हो, हाई एनर्जेटिक फिजिक्स पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये जितनी इतनी देर से जो बकवास कर रहा हूं या जितनी मैं बातें कर रहा हूं, ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं या मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि लुक गाइस, फिजिक्स इज रियली वेरी नेसेसरी इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ वीडियोज बनाए थे, जैसे मैंने NMR के वीडियोज बनाए थे, मैंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियोज बनाए थे, IR के बनाए थे, वाइब्रेशनल के बनाए थे। तो कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर आपने NMR का इतना अच्छा कंटेंट बनाया कहाँ से, या आपके पास ये जो कंटेंट आया ये कंटेंट आया कहाँ से, क्योंकि ना तो स्कूग में दिया हुआ इतना डिटेल में, ना तो पाविया में दिया हुआ इतना स्कूग में तो इतना डिटेल में, तो आपको ये कंटेंट आया कहाँ से। अब मैं इसका आंसर आज देना चाहता हूँ। आंसर ये है कि जब मैं पढ़ रहा था, आई वॉज अ फिजिक्स स्टूडेंट टिल माय SYBSC तक मेरे पास फिजिक्स था। अब जब मैं NMR पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे NMR में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो एक फिजिक्स के स्टूडेंट को दिखती है कि ओ ये तो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जबकि स्कूग में जस्ट उसकी एक लाइन दे के छोड़ दिया है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट आप एक केमिस्ट को पूछो तो शायद वो इतनी डिटेल में नहीं जानता है जबकि उसको आना चाहिए, बट पोलराइजेशन के बारे में, ब्रूस्टर एंगल के बारे में, या डबल पोलराइजेशन के बारे में, डबल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में, ये सब तो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा फिजिक्स का नॉलेज है तो आपकी केमिस्ट्री के ऊपर कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, आप केमिस्ट्री को समझने की आपकी ताकत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गाइस आप अपने आप को रेडी कर लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल के कल आप जाओगे और जाके आप HC वर्मा का बुक खरीद लोगे, आप जाके कल के कल जितने भी फिजिक्स के रेफरेंस बुक्स आप सारे ग्रिफिथ वगैरह उठाना स्टार्ट कर दोगे, नहीं यार चिल, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अपना बेसिक का 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जैसे फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, जैसे आपको सर्कुलर मोशन थोड़ा सा आना चाहिए, बिकॉज सर्कुलर मोशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। आपको थोड़ा सा रोटेशनल मोशन आना चाहिए। व्हाई डू यू नो रोटेशनल मोशन, क्योंकि सर रोटेशनल मोशन से आप कुछ चीजें दिखोगे, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रिड्यूस मास क्या होता है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप क्वांटम पढ़ना स्टार्ट करते हो, ये सारी चीजें आपको काम आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। आप उसके बाद में ऑसिलेशन सीखोगे। सर ऑसिलेशन से एक्चुअली हम ये सीखेंगे कि किसी भी वाइब्रेशन को सर्कुलर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। वहाँ से हम सीखेंगे कि कॉस का ग्राफ और साइन का ग्राफ कैसे आता है। वहाँ से हम चीज़ें सीखेंगे कि कोई चीज़ अगर ऑसिलेशन कर रही है तो वो कैसे बिहेव करेगी। इसका रीज़न ये है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको ऑसिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यहां तक समझ में आया। उसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा वेव मैकेनिक्स के बारे में, जैसे वेव मोशन, स्टेशनरी वेव के बारे में। अब वेव मोशन और स्टेशनरी वेव को पढ़ने का जरूरत क्या है, क्या कनेक्शन है? सर बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जब आप क्वांटम पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन का एक पिक्चर ये भी है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स जानता है, पर एक पिक्चर ये भी है कि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ वेव। तो ये पिक्चर अगर आपको समझना है, उसको देखो कहना बड़ा आसान है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, बट हाउ विल आई विजुअलाइज इट, मतलब मैं उसको विजुअलाइज कैसे करूंगा, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कैसे निकालूंगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वेव मैकेनिक्स का, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको स्टेशनरी वेव का, स्टेशनरी वेव के बारे में आपको जानना, नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, क्योंकि जब आप क्वांटम पढ़ना स्टार्ट करते हो आप रियलाइज करोगे कि हम जब पढ़ते हैं S orbital, P orbital, तो हम कहते हैं यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है। तो ये बोलना और समझना, देखो दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ओके ये होता है ये, एक चीज को अगर आप 25 बार पढ़ लोगे या 50 बार उसको देख लोगे तो वो चीज बाय हार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हम करते हैं यूजुअली, मैंने भी किया, क्योंकि मेरे को अगर कोई चीज नहीं आती थी, हम 50 बार उसको देखते हैं एग्जाम से पहले तो वो चीजें बाय हार्ट हो जाती हैं। एक दूसरा ऑप्शन होता है कि यार एक काम करते हैं,
रुकते हैं, वो चीज को बाय हार्ट करने से पहले उसको समझ लेते हैं ना, तो उसको बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम एक बार उसको समझ लेते हैं, और हम यूजुअली क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम फिजिक्स की चीजों को दूर रखते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, इफ यू आर एन एमएससी स्टूडेंट, अगर आप एक एमएससी स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, सर आपके लिए फिजिक्स का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूजुअली लोग बोलते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज क्वाइट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी फेमस, मैं बहुत फेमस तो नहीं हुआ, बट पीपल विल नो मी बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई गॉट सो मेनी मैसेजेस रिगार्डिंग एनएमआर रमन, रिगार्डिंग वाइब्रेशनल आईआर, एंड लेट मी टेल यू फ्रेंकली, मुझे मेरे एमएससी में सी ग्रेड मिला है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ट्रस्ट मी, आई हैव गॉट अ सी ग्रेड। एंड टुडे व्हेन आई एम टीचिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, पीपल आर लाइक, ओ वाओ, ये अच्छे से समझ में आया, ये ऐसे समझाया, वो सर नया तरीका समझाया। The only reason I can say कि मैंने कोई बहुत बड़ा चीज नहीं कर दिया, what I have done is कि मैंने physics को और chemistry को, since I was a physics student and I was a chemistry student, मैंने देखा यार ये चीज जो chemistry में दी हुई है ये थोड़ी सी देके छोड़ दी गई है। And most of the chemistry के जो students होते हैं, कि आप अगर देखो, हम जब graduation में होते, कोई botany लेके आया होता, कोई zoology लेके आया होता, कोई किसी और subject से लेके आया होता, और वो शायद physics में उतनी command नहीं रखता, जब वो ये सब चीज़ों को देखता है तो उसको ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। उसको लगता है पता नहीं सडनली कहाँ से सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आ गया, एम स्क्वायर बाय आर कहाँ से आ गया, एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आ गया, रिड्यूस मास क्या होता है, सडनली ही गेट कंफ्यूज, और फिर वो चीज़ों को बाय हार्ट और रटना स्टार्ट कर देता है रेदर देन गोइंग इन टू द डेप्थ। तो इसका आंसर एज अ फिजिक्स स्टूडेंट मैं देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा, यार ये जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो एक काम करो ना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को उठाओ और यहाँ पे डाल दो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, मैंने एनएमआर पढ़ाया, अब एनएमआर में मैंने थोड़ा सा बता दिया बोजोन्स के बारे में, मीजोन्स के बारे में, थोड़ा मैंने क्वार्क्स के बारे में बता दिया, स्पिन के बारे में बता दिया, दैट वाज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा मोस्ट ऑफ द बुक्स में वो सब चीजें नहीं दी हुई है, दैट हेल्प दैट आई गॉट वाज फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड। सो गाइज, मेरा एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, ये मेरा एडवाइस है आप सबको कि थोड़ा फिजिक्स का नॉलेज रखो, बट अब क्वेश्चन उठता है कितना फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, दिस लिस्ट इज इनकम्प्लीट, आई कैन से रियली ये थोड़ी इनकम्प्लीट लिस्ट है। जैसे अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आना चाहिए, क्योंकि रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होना तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग करंट, करंट कैरिंग कॉइल या करंट कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वी कैन रिलेट इट। जब आप टर्म सिंबल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको वहां पे थोड़ा बहुत आता है, वेक्टर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक MEEC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको सर्कुलर मोशन आना चाहिए, थोड़ा सा वेक्टर्स आपको आना चाहिए, थोड़ा क्लासिकल फिजिक्स के थोड़े इक्वेशंस आपको करने आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर क्वांटम केमिस्ट्री, बहुत रिक्वेस्ट आती है सर कि क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ो इससे पहले। देखो क्वांटम केमिस्ट्री की बुक्स मेरे पास भी रखी हुई, आरके प्रसाद, आई हैव गॉट दिस बुक, ओके, दिस इज द बुक विद मी, आरके प्रसाद। नाउ आप अगर इस आरके प्रसाद की बुक को देखोगे, आप पढ़ना स्टार्ट करो सर, मोस्ट ऑफ द बुक में, पूरी की पूरी बुक में आप देखो कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में सब कुछ दिया हुआ है। देयर इज नो, मैं अपने सर से पूछा करता था, मेरे एक सर हुआ करते थे, जैसे मैंने पहले भी बताया, पता नहीं सर, मैं उनसे पूछा करता था सर अगर ऐसी बुक बताओ जहां पर ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया हो, यहाँ मैथमेटिक्स में नहीं दिया हो, जहाँ पे इक्वेशन, यार एक बड़ी सी चीज को एक छोटे से इक्वेशन में बता के बोल देते हैं कि ये चीज ये है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, उसमें 3-4 दिन चले जाते हैं, कभी कभी तो महीनों चले जाते हैं, फिर एक दिन रोड पे चलते हुए क्लिक होता है, ओ शिट, ये तो वो था, फिर हमको रियलाइज होता है। तो सर ऐसी कोई बुक बताओ, तो सर मुझसे कहते यार ऐसी बुक तो कोई नहीं है, आपको खुद बैठ के पढ़ना पड़ेगा, खुद बैठ के समझना पड़ेगा। जब मैंने आर के प्रसाद देखा, मैंने इसके बाद मैक्वेरी का भी एक बुक मंगाया था, यार कंप्लीट क्वांटम केमिस्ट्री का बुक, मैम यू विल फाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन, यू नो हम RTS RTF इक्वेशंस निकालते हैं, आई हैव गॉट माय नोट्स फॉर क्वांटम केमिस्ट्री, कंप्लीट मैथमेटिक्स, डिटरमिनेंट्स आ जाता है, डिटरमिनेंट्स के बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाता है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, जब आप आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज के बारे में पढ़ते तो आपको पता पूछा जाता है whether this function is an eigen function or not, तो आपको वहाँ पे derivative दे दिया जाता है, double derivative दे दिया जाता है, integration दे दिया जाता है। आपको एक बहुत बड़ी physics की, quantum chemistry की चीज़ को interpret करना अगर है तो you should know some basics of physics and mathematics. I can say mathematics भी उतना important है। तो ये अगर आपको quantum पढ़ना है, you should know a bit of mathematics, जैसे derivative और determinants के बारे में आपको थोड़ा सा information आना चाहिए। Then modern physics. Now why do you need modern physics? मैं कह सकता हूँ कि modern physics और modern chemistry एक ही बात है। Modern physics का मतलब होता है जहाँ पे आप
इलेक्ट्रॉन्स को आप वेव की तरह कंसिडर करना स्टार्ट करते हो, लाइट को आप कॉर्पसल्स की तरह नहीं, आप उसको वेव नेचर दे देते हो, तो वहीं पे मॉडर्न केमिस्ट्री आ जाती है। मॉडर्न केमिस्ट्री और मॉडर्न फिजिक्स पैरेलल चलते हैं, मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री को समझना है तो आपको मॉडर्न फिजिक्स का यूज होना बहुत जरूरी है, जिसमें प्लैंक्स थ्योरी आ जाती है कि जिसमें लाइट को फोटोन की तरह कंसिडर किया जाता है, लाइट इज क्वांटाइज, हम फिर उसी चीज को उठा के स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप अगर ध्यान से देखो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, मतलब कुछ हटके या कुछ अलग नहीं है। देन द क्वेश्चन कम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि मैं यूजुअली मेरे चैनल पे भी पढ़ा रहा हूँ। आप जैसे जैसे एडवांस लेवल पे देखोगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का आना बहुत जरूरी है। अब इसीलिए स्कूप की अगर आप बुक लेते हो, विच इज कंसिडर वन ऑफ द रेफरेंस बुक फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनालिटिकल केमिस्ट, रेफरेंस बुक अगर आप उठाते हो स्कूप का, तो उसका पहला ही चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जहां पे उन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में उन्होंने बताया, एडी करंट के बारे में उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, एलसीआर सर्किट क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको तब तक, जब तक नहीं समझ में आती तब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एडवांस वर्जन नहीं समझ सकते। लोअर वर्जन तो ऑब्वियसली बहुत इजी है, डेनियल सेल्स के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ना, बट जब आप एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आते हो, जो एनालिटिकल का पार्ट होता है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, तब आपको थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कंप्लीटली बेस्ड है मॉडर्न फिजिक्स पे। जैसे आप एनएमआर को उठा लो तो न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, ईएसआर को उठा लो तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में पता होना चाहिए, उसके अंदर फिर क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं, तो यू शुड नो क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर्स को अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स का बैकग्राउंड लगेगा, वेक्टर्स के बारे में लगेगा, आपको वेक्टर एडिशन करना आना चाहिए, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, ये थोड़ी सी चीजें आपको आनी चाहिए। जब आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए डिजनरेसी का, मेरा वीडियो देखना आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यू शुड नो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए लिटिल बिट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आप एनएमआर की बात करो, आप वाइब्रेशनल की बात करो, रिजिड मोटर्स को लेकर चलते हैं, डिस्टॉर्शन कोएफिशिएंट लेते हैं, लाइक जितनी भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं वो पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहीं ना कहीं फिजिक्स के बैकग्राउंड पे है। You have got two options, either you accept it, you buy hard it and move ahead, or either you stop, go back, make your physics ka concept clear, come back and then again read your spectroscopy ya your chemistry ka stuff, to aapko cheeze aur zyada acche se clear hoti bhi dikhai dengi। Then you come to nuclear and kinetics। सर न्यूक्लियर और काइनेटिक्स एक है, जबकि दोनों ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट चीजें, बट दोनों का मैकेनिज्म अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करते हो तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड काइनेटिक्स में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो यू नीड टू स्टडी अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स, थोड़ा इक्वेशन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सर एक चीज यहां पे कहना चाहूंगा, सिंस बीइंग अ फिजिकल केमिस्ट आई लव फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री मेरा पैशन है, फिजिकल केमिस्ट्री मेरा प्यार है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में इतना कह सकता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जहाँ पे इतनी सारी नॉलेज को आपको एक इक्वेशन में बना के छोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते हैं, दैट ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, हमने बहुत बार काइनेटिक्स का आरहेनियस इक्वेशन पढ़ा है, दैट के विल बी इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। ये इक्वेशन बाय हार्ट करना बड़ा आसान होता है, तीन चार बार प्रैक्टिस करो बाय हार्ट हो जाता है, बट इस इक्वेशन के पीछे पूरी की पूरी कोलिजन थ्योरी है। इस इक्वेशन के पीछे जो ए लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी कोलिजन थ्योरी वहां पे आ जाती है। तो सर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू बाय हार्ट इट, तीन चार बार देखो उसको बाय हार्ट हो जाता है, या फिर उसको समझना स्टार्ट कर दो। तो अगर आपको काइनेटिक्स या ये पढ़ना है तो थोड़ा मैथमेटिक्स और थोड़ा इक्वेशंस का अंडरस्टैंडिंग करना आपको आना चाहिए, वरना चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, फिर तो आप सर रट्टा मार रहे हो यार, ठीक है। द नेक्स्ट इज फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री समवेयर रिलेटेड टू क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम आएगा तो फोटोकेमिस्ट्री आएगा। अब फोटोकेमिस्ट्री फिजिकल में भी पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाता है। ना कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये सब तो फिजिकल से रिलेटेड है, हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से इसका क्या संबंध? सर संबंध है, केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन हमने करना स्टार्ट किया कि ये केमिस्ट्री होती है, ये केमिस्ट्री। भाई मुझे ऑर्गेनिक पसंद नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि ऑर्गेनिक के लिए फिजिकल की, फिजिक्स की जरूरत नहीं है। इवन ऑर्गेनिक व्हेन अ टाइम कम्स वेयर यू नीड टू नो या वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर फिजिक्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला होगा। तो मैं आने वाले टाइम में व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग विद अ सीरीज जहां पे हम पढ़ाएंगे फिजिक्स को विच इज रिक्वायर्ड फॉर केमिस्ट्री, लाइक आई कैन से अ फिजिक्स फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को समझने के लिए कितने फिजिक्स की जरूरत है, या फिजिक्स के वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या जब आप ऑसिलेशन पे जाते हो, वेव मैकेनिक्स में जाते हो। वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू सीरीज
जहां पे विल बी एक्सप्लेनिंग यू सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. आई विल नॉट बी गोइंग इनटू वेरी डेप्थ या बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ फिजिक्स के, बट आई विल बी टेकिंग, आई विल बी सिलेक्टिंग सम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम फिजिक्स दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक एंड द कोर ऑफ केमिस्ट्री. एंड आई बेट जब चीज़ें समझनी स्टार्ट हो जाती है ना, यकीन मानिएगा चीज़ों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. मेरा एक सिंपल सा उसूल है, इतना नहीं आएगा चलेगा, इतना सा आएगा बहुत अच्छी बात है, पर इतना सा जो आता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए और इतने अच्छे से आना चाहिए. और आप भी ये एक्सेप्ट करोगे कि जब चीज़ें समझनी स्टार्ट होती है ना, बहुत सुकून भरा फीलिंग आता है कि यस आई नो इट. बट जब आप रट्टा मार के मार्क्स ले आते हो और आपको चीज़ नहीं समझ में आती है, कहीं ना कहीं अंदर एक गिल्ट रहती है कि यार मार्क्स तो आ गए, मैं टॉप भी मार लिया, मैं पास भी हो गया, इज्जत भी बचा ली मैंने, बट आई डोंट नो दैट थिंग. कल को अगर कहीं डिस्कशन चल रहा होगा तो शायद मैं उस डिस्कशन का पार्ट नहीं हो पाऊंगा. तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जो मैं फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट उठाऊंगा फिजिक्स के जो कि बहुत ज़रूरी होंगे केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, इट विल डू टेक टाइम, इसको थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को डिज़ाइन करने में, कॉन्सेप्ट को उठाने में, बट मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस चीज़ में सपोर्ट ज़रूर करेंगे. सो स्टे ट्यून, देखते रहिएगा और ऐसे ही प्यार करते रहिएगा. मिलते हैं वीडियोज़ में. थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.